हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी साइंस क्लास ऑफ सुपर 30 मेडिकल। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स सप्लाई द बॉडी विथ मटेरियल्स विच हेल्प अस इन ग्रोइंग एंड रिपेयरिंग आवर वाउंड्स। तो प्रोटीन वो चीज होती है जो बॉडी को ऐसे मटेरियल देती है जिससे हमारे सेल्स ग्रो करें और हमारे जो घाव हैं वो भरें। तो प्रोटीन्स सप्लाई बॉडी विथ मटेरियल्स विच हेल्प इन ग्रोथ एंड हीलिंग वाउंड्स। तो प्रोटीन हमारे घावों को भरने में मदद करता है और साथ ही हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। असल में जो प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स होते हैं, जिन फूड्स में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में ग्रोथ लाता है और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए उन फूड्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। अब ये तो हो गया फंक्शन प्रोटीन का, अब आते हैं सोर्सेज पे। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, सोर्सेज, हमें प्रोटीन मिलता कहाँ कहाँ से है? तो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एग। एग में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, विशेषकर उसके योल्क में जो येलो कलर का होता है बीच में, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिश में, फिश प्रोटीन गिविंग फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही साथ मिल्क में भी बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए छोटे बच्चों को मिल्क ज्यादा दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। मिल्क में बहुत प्रोटीन होता है, साथ ही साथ पल्सेस में भी बहुत प्रोटीन होता है। जो दाल हम लोग खाते हैं उसमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, चिकन में, मीट में, ग्राउंड नट, आलमंड्स, बादाम जो होते हैं एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों में प्रोटीन पूरा भरा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है इसमें, और इन सब चीजों को खाने से हमारी शरीर ताकतवर होती है और हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। अब प्रोटीन अगर हमें नहीं मिल रहा है, मान लीजिए प्रोटीन की कमी हो गई, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमें डिजीजेस होती है। डिफिशियंसी डिजीज कॉज बाय प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियरकर और मैरास्मस। ये दो डिजीज हमें प्रोटीन की कमी से होती हैं, क्वाशियरकर और मैरास्मस। ये दोनों छोटे बच्चों में होती हैं, करीब 2 से 3 साल के बच्चों में, और इसमें शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, एकदम चलने फिरने की हालत भी नहीं रहती है। तो प्रोटीन हमें बराबर लेना चाहिए ताकि हमें ऐसी डिजीजेस न हो। तो ये प्रोटीन था, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। चलिए पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन इज ए प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं। अब विटामिन के बहुत सारे पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स को इंग्लिश के अल्फाबेट्स के नाम से रखा गया है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सब विटामिन्स के पार्ट हैं और इनमें से भी कई पार्ट होते हैं, जैसे विटामिन बी के कई पार्ट हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। तो विटामिन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, अब हम इनमें से एक एक पार्ट पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। विटामिन ए,
विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन ए हमारी आई साइट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। विटामिन ए का फंक्शन हो गया, फंक्शन है इंप्रूव्स आई साइट, हमारी आंखों की रोशनी तेज करता है। और साथ ही हमारी स्किन और हेयर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट स्किन एंड हेयर। तो विटामिन ए का ये फंक्शन है। अब विटामिन ए की कमी से हमें क्या रोग हो सकता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी डिजीज है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में रतौंधी भी कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जैसे ही थोड़ा सा भी अंधेरा होगा तो दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में लेते रहना चाहिए जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी सही हो। अब विटामिन ए के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए के सोर्सेज हैं कैरट, गाजर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। तो ये सब विटामिन ए के सोर्सेज हैं, कैरट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मैंगो, पपाया। मिल्क इसमें से यूनिवर्सल है लगभग, क्योंकि इसमें सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़ के। मिल्क में केवल विटामिन सी ही नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी, डी, ई, के, सारे विटामिन मिल्क में पाए जाते हैं। इसीलिए मिल्क विटामिन्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है और हमें मिल्क डेली लेना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी1 के बारे में। ऐसे तो विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन हम केवल विटामिन बी1 के बारे में ही अभी पढ़ेंगे। तो विटामिन बी1 का नाम होता है थायामीन। विटामिन बी1 को हम थायामीन कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो विटामिन बी1 हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, प्रॉपर ग्रोथ देता है, इसलिए इसका फंक्शन है हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड कराता ही है। साथ में हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेंटेन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे हार्ट नर्व्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। तो इस तरह से विटामिन बी1 का यह फंक्शन हो गया। अब विटामिन बी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन बी की कमी से डिजीज होती है बेरी बेरी। जैसे विटामिन बी है, ऐसे ही इस डिजीज का नाम भी बी से शुरू होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक डिजीज होता है। अब विटामिन बी1 के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सोर्सेज में सबसे पहले आएगा मिल्क, क्योंकि मिल्क में सारे विटामिन पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़ के। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए, उसमें भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं, होल ग्रेन, होल ग्रेन सीरियल्स जैसे कि गेहूं है, व्हीट, राइस, इन सब में भी विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। होल ग्रेन मतलब कि आटे में जो भूसी होती है उसे निकाले नहीं, जो हम लोग छलनी से छान कर निकाल लेते हैं, वो उस भूसी के सहित ही रोटी बनाई जाए तो उसमें विटामिन बी पाया जाएगा, जो कि डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी स्किन को मेंटेन रखता है, उसको फटने से बचाता है, रूखी होने से बचाता है और साथ ही साथ हमारे टीथ गम्स और ज्वाइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो इसका फंक्शन है कीप्स टीथ गम्स एंड ज्वाइंट्स हेल्दी। हमारे दांतों मसूड़ों और जोड़ों को ये हेल्दी रखने स्वस्थ रखने का काम करता है। अब विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक डिजीज होती है। स्कर्वी, अब जैसे बताया गया कि ये हमारे गम्स को हेल्दी रखता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो गम्स अनहेल्दी हो जाएंगे। तो ये स्कर्वी वही डिजीज है जिसमें दांत ढीले हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आने लगता है, तो इसलिए विटामिन सी हमें प्रॉपर मात्रा में लेते रहना चाहिए। अब विटामिन सी के सोर्सेज क्या है, तो मैंने बताया कि मिल्क में विटामिन सी ही केवल ऐसा है जो नहीं पाया जाता है, बाकी सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन सी के सोर्स हैं सभी जितने भी खट्टे फल हैं, ताजे खट्टे फल, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। सो सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स खट्टे फल जो भी है उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि लेमन है, लेमन नींबू, ऑरेंज, आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन का, गुआवा, तो ये सब, इन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिन्हें हमें खाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल भी है। इसका फंक्शन है हमारी हड्डियों और दांतों के ग्रोथ में हेल्प करना और उनकी मजबूती को बनाए रखना। तो प्रॉपर फंक्शन हो गया प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो यह हमारी हड्डियों और दांतों के ग्रोथ में हेल्प करता है। अब इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स नामक डिजीज होती है। विटामिन डी हमारे बोन्स में जाकर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी की बोन्स को मजबूत बनाता है। तो ये हमारी बोन्स में जाकर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है जिससे हमारी बोन्स बहुत ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सकती हैं और वो मजबूत बनती हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और हमारी हड्डियां कमजोर होंगी। इसी डिजीज को रिकेट्स कहते हैं जो कि आमतौर पर बच्चों में होती हैं। इनमें हड्डियां बहुत ही लचीली और कमजोर हो जाती हैं और पैर हमारी बॉडी के वेट से ही मुड़ जाते हैं, बेंट फोर लेग्स हो जाते हैं, मुड़े हुए पैर ऐसे हो जाएंगे दोनों लेग्स और हमारी बॉडी की हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाएंगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और मजबूती बहुत ही कम हो जाएगी। अब विटामिन डी के सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में कैल्शियम भी पाया जाता है, तो इसीलिए मिल्क बच्चों को दिया जाता है ताकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों उनमें भरपूर मात्रा में मिले और उनकी हड्डियां मजबूत हो सके और उन्हें रिकेट्स न हो। मिल्क के अलावा विटामिन डी हमें फिश में मिलता है, एग में मिलता है, बटर में मिलता है और फिश लीवर ऑयल में मिलता है। तो ये सब सोर्सेज हैं विटामिन डी के। ऐसा कहा जाता है कि सनलाइट में रहने से हमें विटामिन डी मिलता है लेकिन हमें मिलता नहीं है, असल में वो हमारी बॉडी में ही बनता है। जैसे ही हमारी बॉडी में सनलाइट पड़ती है तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनसे विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि सनलाइट पड़ने पर हमारी बॉडी खुद ही विटामिन डी बनाती है न कि हमें सनलाइट से मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ विटामिन डी हमारे शरीर में सनलाइट के प्रेजेंस में भी बनाया जाता है। सो दिस वॉज विटामिन, नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.